हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे एंकर टैग के बारे में, जिसमें बताए थे टारगेट और टारगेट क्या होता है जो भी बताए थे। तो आज हम लोग जानेंगे एंकर टैग के अंदर आता है नेम, तो और नेम में क्या क्या यूज होता है और नेम को किस तरह से यूज होता है। शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ कि आप कभी कोई भी जाते हैं वेब पेज पर या ब्राउजर पर सर्फिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद तो कोई बटन होता है जो डायरेक्ट नीचे चल जाते हैं या क्लिक करने के बाद ऊपर चल जाते हैं। तो आज उसी तरह से हम टेस्ट करके और प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो डायरेक्ट हम चले अपना इंट्रो के साथ स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं। स्क्रीन पर आने के बाद हम अपना टेक्स्ट ले लेते हैं जिससे कि आपको हम समझा पाए। तो यहाँ हम पैराग्राफ में लेते हैं, तो इस समय अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो इस समय हम आपको पढ़ा देंगे, मतलब पूरा सिखा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम टैक्स ले लिए हैं, और टैक्स लेने के बाद देख सकते हैं इसका लाइव प्रीव्यू किस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइव प्रीव्यू इसका दिखा रहा है इस टैक्स को। तो इस टैक्स से हम पूरा बढ़िया से सीखेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर से देख सकते हैं इसको, यहाँ पर पहले इसको इसका हम पहले नाम लिख लेते हैं, जैसे कि H1। तो H1 में इसका लिख देते हैं, मतलब सिखा बताने के लिए डॉग, तो DOG डॉग। तो यहाँ पर से देख सकते हैं डॉग लिख दिए, और डॉग पूरा देख सकते हैं लाइव प्रीव्यू में दिखा रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और इस तरह से हम और देखते हैं कहीं पर लिखा जाए। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर लिखा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ को पहले बंद कर देते हैं। पैराग्राफ को बंद करना है, तो देख सकते हैं पैराग्राफ बंद हो गया, और यहाँ पर से फिर से एक पैराग्राफ को चालू करना होगा हमको। तो देख सकते हैं पैराग्राफ चालू हो गया, और फिर मगर इस यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर से हम एक फिर से H1 ले लेते हैं जिससे कि बताने के लिए। तो H1 में यहाँ पर लिख देते हैं कैट, CAT कैट। तो देख सकते हैं कि लिख लिया, और इसका लाइव प्रीव्यू हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नीचे में कैट है और इतना टैक्स है। तो इसमें हम पूरा लिख के यहाँ पर दिखा दिए, तो इसमें किस तरह से यूज करना है। तो देख सकते हैं हम अपना एंकर टैग को यूज करते हैं। तो एंकर टैग को यूज करने के लिए यहाँ पर स्पेस देते हैं, तो देख सकते हैं एंकर टैग को यूज करने के बाद यहाँ पर से इस तरह से कट कर देना, और यहाँ डॉग के बाद एंकर टैग को लिखना है। यहाँ पर लिखने के बाद इसके अंदर नेम को यूज करना है, NAME नेम। तो नेम को लिख लेना, और लिख के बाद इसके अंदर लिखना है डॉग, तो DOG डॉग। तो डॉग लिखने के बाद देख सकते हैं इस पर अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं जहाँ पर कैट लिखे थे हम। देख सकते हैं हम अपने टेक्स्ट को ऊपर कर लिए हैं, और यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो
देख सकते हैं लिख लिया। फिर यहाँ पर से हम नेम को लिखते हैं NAME। नेम को लिखने के बाद यहाँ पर से यहाँ पर लिख देते हैं कैट CAT। देख सकते हैं कैट लिख लिया। और कैट लिखने के बाद आपको दिखा रहे हैं इस टेक्स्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, जिस तरह से देख सकते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो अब इसमें किस तरह से फर्क पड़ेगा और क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों को यहाँ पर हम कमेंट कर देते, मतलब कि कमेंट करते हैं और पहले हम इसको पैराग्राफ में ले लेते हैं। तो देख सकते हैं कि लेने के बाद यहाँ पर पहले डॉग है तो डॉग लिखते हैं DOG डॉग। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि चला है। और फिर से पैराग्राफ एक लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखते हैं कैट CAT। कैट लिखने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में किस तरह से हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर एंकर टैग को यूज करना है। तो एंकर टैग को यूज करने के लिए देख सकते हैं कि एंकर टैग को हम यूज कर लेते हैं। और एंकर टैग को यहाँ पर लिखना है HREF। तो HREF देख सकते हैं लिख लिया। और HREF में आपको यहाँ पर लिख देना है H, यहाँ पर इसे H देना है। और H दे के पहला क्या है डॉग है, तो आपको डॉग लिखना है DOG डॉग। देख सकते हैं डॉग लिख लिए। और डॉग लिखने के बाद इसे बंद कर देते हैं और इधर से यहाँ पर से कट करके यहाँ डॉग के अंतिम में इसे बंद करते हैं। देख सकते हैं कि बंद कर दिया। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डॉग लिखा गया है। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तब आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है। और एक म्याओ लिख लेते हैं जिसमें हम कैट लिखे हैं। देख सकते हैं कि टाइप जरा करने में इसमें प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है क्योंकि और इसमें हमेशा हमें क्लिक करना पड़ता है NAME। और नहीं, नेम नहीं, गलत हो गया। यहाँ पर यहाँ HREF लिखना है हमें। HREF लिख के यहाँ पर से H देकर यहाँ पर कैट लिखना है CAT कैट। तो देख सकते हैं कैट लिखने के बाद यहाँ पर से हम आपको कुछ दिखाते हैं क्या क्या हुआ है इतना कोड को आपको लिखने के बाद। यहाँ पर से देख सकते हैं डॉग पर क्लिक किए तो डॉग ऊपर आ गया, कैट पर क्लिक किए तो कैट ऊपर आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना सारा है टेक्स्ट। तो और चाहे तो आप टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ पर से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर से हम इस तरह से यूज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यूज करने के बाद यहाँ पर नीचे हम यूज किए हैं और यहाँ पर से हम फिर से इसमें टैक्स लिखते हैं। तो अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा टैक्स लिखा गया है। और टैक्स लिखने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि कितना सारा कैट है और कैट के नीचे भी टैक्स है। तो इतना सारा है टैक्स। तो यहाँ पर आपको H1 जो है मेरे नीचे चल गया है, तो यहाँ से हम कॉपी करके आपको नीचे थोड़ा दिख देते हैं इसका अंदर में, तो और बढ़िया से पता चलेगा आपको। यहाँ से देख सकते हैं हम कॉपी कर लिए हैं। आप कॉपी करके यहाँ से इसे कट कर देते हैं। और कट करने के बाद यहाँ पर पेज को पहले बंद कर देते हैं। इस पेज को सही रहेगा।
देख सकते हैं कि लिख लिए, और लिखने के बाद आपको फिर से हम यहाँ पर दिखाते हैं फुल। यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉग है, यहाँ पर से इतना टेक्स्ट आ रहा है तो डॉग मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर से डायरेक्ट क्लिक करेंगे डॉग पर चल जाएंगे। मतलब डॉग के बारे पढ़ना है, कैट पर पढ़ना है तो कैट पर। अब सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर रहता है एक नीचे में कि हम टॉप पर जा सकते हैं, और टॉप पर जाने के बाद ही क्लिक करें तो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टेक्स्ट रहेगा उस पेज में तब। तो उसको किस तरह से करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर देख सकते हैं कि एंड होता है, देख सकते हैं कि एंडिंग की जगह तो बहुत है। यहाँ पर से हम पहले स्टार्ट करते हैं, एंड देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है एक पेज के, तो यहाँ पर से भी एंकर टैग को यूज करना है हमको। एंकर टैग के यूज करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं टॉप, टी ओ पी टॉप, और टॉप के बाद यहाँ पर डॉट डॉट दे देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एच रेफ लिख देते हैं, और एच रेफ में लिख देते हैं आई एन डी इंडेक्स्ड, तो इंडेक्स दे दिए, और इसी तरह से हम कॉपी कर लेते हैं इसे, और कॉपी करके सारा जगह पेस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि पेस्ट कर चुके हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर भी, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दिए, और कहीं होगा तो वहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं तो ठीक रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर भी एंड हुआ है, तो यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हुआ। यहाँ पर हम डॉग पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर डॉग को पढ़े और आया टॉप पर, क्योंकि अब नहीं पढ़ना है हमें तो हम टॉप पर जा सकते हैं। फिर से हम चाहें कि नहीं और पढ़ना है हमको, डॉग वाला पढ़ना है, तो डॉग पर क्लिक किया और डॉग को पूरा पढ़ लिए तो टॉप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगता है कुछ रॉन्ग हो चुका है मेरा, डॉग पर गए और टॉप पर आ सकते हैं। तो देख सकते हैं हम फुल्ली पूरा बढ़िया से करते हैं, कोई मेरा कोड में कहीं पर गलत हो जाता है तो कृपया कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत परेशानी होता और क्या क्या लिखा था, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा है इसलिए से नज़दीक करके देखना पड़ता, और इसका ज़्यादा फॉन्ट भी बड़ा करते हैं तो देखने में प्रॉब्लम होता, तो इसलिए से लिखने में थोड़ा बहुत हमें परेशानी होता होगा। आपको भी तो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट ब्राउजर में आपको ले जा करके दिखाते हैं पूरा बढ़िया से। तो यहाँ पर से देख सकते हैं हम डॉग को पढ़ना चाहते हैं तो डॉग पर, टॉप पर जाने चाहते हैं तो टॉप पर, काइट को पढ़ना चाहते हैं तो काइट पर, और यहाँ पर से काइट को पढ़ लिए तो टॉप पर जा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो